वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक DIY फेस वॉश, जिसको बनाने से जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए सब हमारे किचन में अवेलेबल होता है, जिसको यूज़ करने से आपका स्किन ग्लोइंग हो जाएगा और वो फेस वॉश बनाने में बिल्कुल 5 मिनट ही लगता है। तो टॉकिंग अबाउट फॉर दिस बेहतरीन फेस वॉश, और उससे पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरा चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर फिरदौसी। तो आज मैं एक बेहतरीन फेस वॉश बनाना सिखाऊंगी, वो भी घर में, और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मैं दिखाऊंगी और कैसे बनाना है वो भी दिखाऊंगी और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे फेस वॉश करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए। इस फेस वॉश में हमको सैंडलवुड भी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, तो वो लोग मैं बाद में दिखाती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, सैंडलवुड पाउडर इस तरह पैकेट में आता है, जो मैंने क्या किया, इसको एक बोल में इस तरह से निकल कर रख दिया इस तरह से, और ऐसा करके मैंने मुल्तानी मिट्टी भी इस तरह पैकेट में आता है, इसको भी मैंने एक बोल में निकल कर रख दिया। इस फेस वॉश बनाने में जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं सबसे पहले वो आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए बेसन 2-3 टेबल स्पून, जितना क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उतना क्वांटिटी में ले लेना। और उसके बाद चाहिए हमको चंदन पाउडर, और उसके बाद चाहिए हमको मुल्तानी मिट्टी, और उसके बाद चाहिए हमको आटा, जो आटा हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वही आटा, और उसके बाद चाहिए हमको एलोवेरा जेल, और उसके बाद चाहिए हमको नारियल तेल, जो कोई सा भी ब्रांड का हो तो हो जाएगा। तो इस बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अगर उनके फ़ायदे मैं सारी बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगी ताकि आप लोगों के समझ में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग जान पाओगे कि इस इंग्रेडिएंट्स का फ़ायदा कितना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताऊँगी, पूरा नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेसन के बारे में बताऊंगी। बेसन एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, अगर आपकी फेस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेसन यूज़ कर सकते हो। बेसन आपकी स्किन की पीएच बैलेंस करके एग्जैक्टली ऐसा बनाता है जैसा आपका स्किन होना चाहिए। दैट मीन्स बेसन इज़ काइंड फॉर रिमाइंडर फॉर योर स्किन। और हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है चंदन। तो चंदन के बारे में मैं क्या बताऊँ, वो उसका खुशबू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। चंदन हमारे स्किन को प्रमोट हेल्दी बनाने के लिए प्रमोट करता है और स्मूथ बनाने में प्रमोट करता है। तो चंदन हमारे स्किन से सारे रिड्यूस करता है सारे स्कार्सेस एंड ब्लेमिशेस। हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट्स है आटा। आटा स्किन टैनिंग ख़त्म करने के लिए, आटे में एक्सफोलिएटिंग गुण होता है जो हमारे स्किन से मृत कोशिकाओं को साफ करके टैनिंग दूर करता है, जो सनबर्न होता है हमारे स्किन में वो भी दूर कर लेता है ये आटा। और हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की जो एबिलिटी है, जो हमारी फेस से ऑयल को एग्जेट कर लेती है, इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इस फेस वॉश में नहीं है। मुल्तानी मिट्टी चिकनाई होता है जिसकी वजह से सिंपली हो जाएगा, जिसे हम इजीली फेस वॉश कर सकते हैं। तो हमारे फेस वॉश करने में कोई दर्दरापन ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम स्लिपली हो जाएगा, जैसे हम मार्केट का फेस वॉश करते हैं ना ऐसा ही बन जाएगा, तो मुल्तानी मिट्टी यूज़ करने से। और फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स है नारियल
तेल जो उसका तो फ़ायदा बहुत सारे है, लेकिन हम इस फेस वॉश में इसको यूज़ करेंगे एक मॉइस्चराइज़र की तरह, जिससे हम फेस वॉश करने के बाद आप लोग नोटिस कीजिए हमारे फेस में ऐसा क्या होता है जो ड्राई लगता है, फेस में कुछ लगाने का मन करता है तुरंत ही, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा फेस एकदम नॉर्मल ही रहेगा। तो नारियल तेल हम इसलिए यूज़ करेंगे इस फेस वॉश में। और हमारा 6 इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा जेल, वो आप कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं कर सकते हो। एलोवेरा जेल में बहुत से हर्बल और औषधि गुण हैं, जिस वजह से वो हमारे स्किन की कोई भी परेशानी को दूर करने में मददगार होता है। एलोवेरा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होता है, और इसी वजह एलोवेरा हमारे स्किन की प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी को पूरा कर देता है। और इसका बहुत सारा फ़ायदा है जो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सबकी गुण बताया। तो देखिए ये हमारा जो फेस वॉश आज बनेगा वो बहुत ही पावरफुल फेस वॉश बनेगा। अगर आप लोगों के घर में एक दो चीज़ नहीं है तो फिर भी आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ इस फेस वॉश को, लेट्स स्टार्ट। पहले मैंने एक बोल ले लिया और उसके अंदर मैं सारा इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल लूँगी। कुछ इस तरह से मैं सब इंग्रेडिएंट्स डाल लूँगी। बेसन हो गया, चंदन हो गया, चंदन पाउडर और आटा हो गया। तो अभी क्या करना है, हमें इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने, और इसी टाइम मेरा एक पॉइंट है, मैं कुछ ज़रूरी बात आप लोगों को बताऊंगी। मिक्स कर लिया, इसी टाइम आप इसको स्टोर करना चाहते हो तो इस तरह से एक जार में भर के रख देना, और उसके अंदर एक चम्मच भी रख देना। तो मेरा ऑलरेडी है इसलिए मैं दिखा रही हूँ, मेरा बने बना कर रखा घर में इस तरह से जार में भर के। और फ्रेंड नोटिस करना, इसमें कोई पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपका चम्मच गीला हो तो उसके अंदर मत डालना, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा और फिर आपका स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ड्राई रखने का कोशिश करना, गीला चम्मच बिल्कुल अंदर में मत डालना। तो अगर आप तुरंत ही बनाकर यूज़ करना चाहते हो तो मैं उसमें 2-3 बूंद नारियल ऑयल डाल दूँगी, कुछ इस तरह से 2-3 बूंद मैंने डाल लिया। ज़्यादा नहीं डालना, तो या एक बूंद भी डालने से हो जाएगा। और दूसरी हम एलोवेरा जेल डाल दूँगी, कुछ इस तरह से। एलोवेरा जेल भी एक बूंद चाहिए हमको, निकल नहीं रहा है। इस तरह से डाल दिया एलोवेरा जेल, और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो बेस्ट है, नहीं है तो मैं इस तरह पानी से मिक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी देना और मिक्स करना, ज़्यादा पानी एक साथ मत देना, नहीं तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपके फेस में लगाने से तुरंत ही गिर जाएगा। इस तरह करके, और मैं थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं। इस तरह से डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी होता है। जब सारा इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ कैसे प्रॉपर तरीके से फेस वॉश करना है। अभी मैं एक बोल में पानी ले लिया और मेरी बेटी के हाथ में मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो पहले हमारा फेस को इस तरह से गीला करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो फेस वॉश हमने बनाया वो मैंने लगा लिया, कुछ इस तरह से दे दिया। और उसके बाद इस तरह से मसाज करके इस फेस वॉश को करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। धीरे धीरे मसाज कर
करके पूरा फेस वॉश करना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करना। और फेस वॉश करने के टाइम आप ध्यान रखना आपकी नाक के ऊपर, फोरहेड और अपनी की चिकनी को अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करके करके फेस वॉश करना। अगर ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी आप देकर मसाज कर सकते हो। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह मसाज करना ज़रूरी होता है। इस तरह से मसाज कर लिया और उसके बाद वॉश कर लिया। आप लोग टेप वाटर में अच्छी तरह वॉश कर लेना इस तरह से। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लो आ रहा है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा ग्लो मार्केट का 400-500 रुपये का फेस वॉश भी नहीं कर सकेगा जितना हमारा बनाया हुआ फेस वॉश ने करके दिखाया। इसी को आप किसी कुछ ही दिन में यूज़ करना और फ़र्क अपने आप देख लेना। देखिए, अगर मेरा ये होममेड फेस वॉश बनाना आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे एक फेस के रिलेटिव वीडियो लेकर आऊँगी जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। ओके, इस तरह से डाल दिया एलोवेरा जेल और उनको भी मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। और अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो बेस्ट है, नहीं है तो मैं इस तरह पानी से मिक्स करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी देना और मिक्स करना। ज़्यादा पानी एक साथ मत देना, नहीं तो वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपके फेस में लगाने से तुरंत ही गिर जाएगा। इस तरह करके, और मैं थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं। इस तरह से डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी होता है। जब सारा इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ कैसे प्रॉपर तरीके से फेस वॉश करना है। अभी मैं एक बोल में पानी ले लिया और मेरी बेटी के हाथ में मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो पहले हमारा फेस को इस तरह से गीला करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो फेस वॉश हमने बनाया वो मैंने लगा लिया कुछ इस तरह से, दे दिया। और उसके बाद इस तरह से मसाज करके इस फेस वॉश को करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। धीरे 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 मसाज करके पूरा फेस वॉश करना पड़ेगा, जल्दबाजी मत करना। और फेस वॉश करने के टाइम आप ध्यान रखना आपकी नाक के ऊपर, फोरहेड और अपनी की चिकनी को अच्छी तरह से मसाज करके करके फेस वॉश करना। अगर ड्राई लगता है तो थोड़ा सा पानी आप देकर मसाज कर सकते हो। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह मसाज करना ज़रूरी होता है। इस तरह से मसाज कर लिया और उसके बाद वॉश कर लिया। आप लोग टेप वाटर में अच्छी तरह वॉश कर लेना इस तरह से। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लो आ रहा है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा ग्लो मार्केट का 400-500 रुपये का फेस वॉश भी नहीं कर सकेगा जितना हमारा बनाया हुआ फेस वॉश ने करके दिखाया। इसी को आप किसी कुछ ही दिन में यूज़ करना और फ़र्क अपने आप देख लेना। देखिए, अगर मेरा ये होममेड फेस वॉश बनाना आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे एक फेस के रिलेटिव वीडियो लेकर आऊँगी जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। ओके।